हाय गाइस, वेलकम इन रवेन्ना मेरा बिलांदिया। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मेरा बिलांदिया की कुछ क्लिप्स, कुछ चीज़ें। हम आए हुए हैं मेरा बिलांदिया में। ये हमने अभी पार्किंग की है और पार्किंग करने के लिए हम जगह ढूंढ रहे थे कि जगह कहाँ पे, क्योंकि देखें कितनी ज़्यादा जो है वो लोग आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पार्किंग में रश लगा हुआ था। तो अभी हम पार्किंग करके, तो ये मैंने ऊपर से व्यूज़ लिए हैं जो पार्किंग में से आपको नज़र आते हैं दूसरी साइड से, सारे के सारा मेरा बिलांदिया का कि कौन सी जगह जो है वो आपको मतलब क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें वो वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं मेरा बिलांदिया कैसा है। ये जी हम उस मेरा बिलांदिया में एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि मेन गेट ये वाला है। यहाँ से हम लोग एंटर होंगे अंदर और फिर उससे दोबारा बाद में देखेंगे। ये ऊपर जो थे ये ब्लू और वाइट कलर में फ्लैग्स है मेरा बिलांदिया के। मेरा बिलांदिया जो है वो बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर वो बंदा आपको सामने खड़ा नज़र आ रहा है जो चेक कर रहा है, हमने मास्क लगाए हैं, हाथ हमारे साफ़ है और बाकी की इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें कि हम कौन सी जगह पर जा सकते हैं और कौन सी जगह जो है वो अभी तक उन्होंने बंद की हुई है, जिस तरह के हालात यहाँ पर चल रहे हैं उसकी वजह से। ये सामने उन्होंने आपको पट्टी चलती हुई नज़र आ रही है रेड कलर में। ये साझा जहाँ से हम लोग टिकट्स जो है वो ख़रीद सकते हैं एंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर टिकट चेक होती है और टिकट चेक के साथ में हम लोग अंदर की तरफ ऐसे जा सकते हैं। ये उसका मेन गेट है जी मेरा बिलांदिया का, आपने सामने देखा। और सामने से ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक साइड पर ये झील है, बहुत प्यारी झील है ये। दूसरी साइड पे ये उन्होंने ये सामने ऐसे मेरा बिलांदिया के एक और छोटा सा मतलब गेट टाइप है और दोनों साइड्स पे फ्लावर्स भी रखे हुए हैं। साथ में ये कार्टून्स करेक्टर्स बने हुए हैं जहाँ पे आप मतलब अपना फेस ऐसे ऐड करके बच्चे जो हैं वो बड़े खुश होते हैं इस तरह से पिक्चर्स बनवाने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं और आसपास राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर, दोनों साइड्स पर उन्होंने जिस तरह से कार्टून्स आते हैं हम देखते हैं उस तरह से उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, उनको डेकोरेट किया हुआ है, उसी तरीके से उनका नाम मेंशन किया हुआ है। और इसके अंदर जब हम जैसे जैसे हम देखते हैं, अंदर जाते हैं, फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ये उन्होंने सीशेल की तरह बनाए हुए हैं और बाहर जो है वो हम्टी डम्टी जिस तरह से ऐसे उस तरह से। और ये जो है ये प्लांट्स थे यहाँ पर। ये सामने एक शॉप है राइट साइड पर और यहाँ पे बड़े अच्छे खिलौने और बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमने कहा बाद में हम इधर का विज़िट करेंगे। ये वाली झील है, ये झील का एक हिस्सा जो है वो आपको बिल्कुल उसके एंट्रेंस के साथ में मिलता है और बाकी हिस्सा जो है वो इसका आगे की तरफ है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये है जी इसका झील का बाकी वाला हिस्सा जो है वो इस साइड पे है। वो सामने एक बड़ा सारा राउंड में बहुत ऊंचा वो झूला सामने लगा हुआ है, जिसमें हम बाद में हम लोग विज़िट करेंगे, देखेंगे। और ये बहुत बड़ी झील है एक, जिसमें फ़िश भी आपको देखने को मिल रही है, कलरफुल सी, और साथ में बड़ी प्यारी ये लग रही है, छोटी छोटी सी, बड़ी बड़ी सी, बड़ी प्यारी हैं ये कलरफुल सी। और ये जो है ये उन्होंने कार्टून कैरेक्टर्स यहाँ पर स्टैचू टाइप लगाए हुए थे यहाँ पर गोल्डन कलर में। ये सामने जी नक्शा है यहाँ का, पूरे मेरा बिलांदिया का पार्क में हम किस तरह से घूम सकते हैं, कौन कौन से यहाँ पे खिलौने मतलब खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं और कहाँ से हम लोग खिलौने ख़रीद सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। कहाँ से हम लोग जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं, मतलब हम लोग फूड या ड्रिंक जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो किस साइड पर है और किस नंबर पर है, वो नंबर वाइज जो है वो यहाँ पर मैंशन किया गया है ताकि हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं हो ढूँढने के लिए जगह। चलें जी विज़िट करते हैं अंदर की तरफ। ये एक आबशार सा ऐसे बना हुआ है जहाँ से पानी जो है वैसे नीचे आता है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा था, बड़ा प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और ये अब अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये इधर डायनासोर्स का वो एक प्रॉपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिसमें डायनासोर्स बनाए गए हैं स्टैचू टाइप, जगह जगह पे उन्होंने लगाए हैं ताकि बच्चे जो है उसको देख के खुश हों ज़्यादा और उसके साथ पिक्चर्स क्लिक कर सकें। और आपको पता है बच्चे जो है वो डायनासोर्स वगैरह जो है वो कितना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ये अलग से दो झूले नज़र आ रहे थे एक साइड पर। और अभी हम दूसरी तरफ जाते हैं, फिर मैं आपको दूसरी तरफ का विज़िट करवाती हूँ। इसी के साथ जी नेक्स्ट जो आगे आने वाला है वो वाटरलैंड है। वाटरलैंड में बहुत सारे झूले हैं जिसमें आप वो पानी के अंदर मतलब उन्होंने सारा कुछ उन्होंने अरेंज किया हुआ है इस तरह से। ये सामने जो है वो एक बोट है जिसमें 5-6 पर्सनस जो है वो आराम से इजीली बैठ सकते हैं। वो ऊपर को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जाती है और फिर एकदम से इस तरह से नीचे को आते हुए ये पानी जो है वो इस तरह से पानी में इस तरह से मूव करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो अंदर की तरफ दोबारा। लेकिन हर जगह पे आपको लाइन बनानी पड़ती है लाइन के साथ में, और बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ता है। ये आगे जी एक और बोट की तरह बनाई गई है, दोनों साइड से इस तरह से पानी आता है जैसे आप शार्क की तरह, वो मतलब पानी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और आप उसमें से गुजर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है। और ये जो है ये भी इसमें 3 या 2 पर्सनस जो हैं वो बैठते हैं और विज़िट करते हैं। ये भी हम विज़िट कर चुके हैं और अभी हम नेक्स्ट आगे की तरफ जाते हैं, फिर मैं आगे आपको कुछ और चीज़ें दिखाती हूँ। ये जी हम इसी तरह से चलते जा रहे थे। ये सामने 2-3 मशीन्स पड़ी हुई हैं जिसमें पानी वानी है, ड्रिंक्स हैं और खाने के लिए कुछ ना कुछ है, ताकि आप अगर यहाँ से गुजर रहे हैं आपको भूख लगी है तो आप इजीली वहाँ से लेके कुछ खा सकते हैं, निकाल सकते हैं वहाँ से मशीन में से। चलिए नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, वो भी बड़ी खूबसूरत है। और ये जो है वो सारा व्यू मैंने बाहर की तरफ से लिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। वो सामने जो है वो यूरो व्हील जो है वो आपको बड़ा सारा गोल सा झूला जो नज़र आ रहा है उसको यूरो व्हील कहते हैं। बड़ा खूबसूरत है, विज़िट किया हम लोगों ने, इतना खूबसूरत लग गया है, बहुत प्यारा। ऊपर से इतनी खूबसूरत लगती हैं ये सारी चीज़ें, बड़ी प्यारी प्यारी सारी तरफ से। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसको आप जब भी इसके ऊपर बैठते हो ये इतना आहिस्ता स्लो से चलता है आप ऊपर से। इसके आसपास जितनी ज़्यादा झीलें हैं वो सारी की सारी आपको देखने को मिलती हैं, बड़ी खूबसूरत है। दोपहर का टाइम था, हमने कहा कि हम लोग थोड़ा सा विज़िट कर चुके हैं तो चलो अभी कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। ये आसपास जो है वो एक जगह मखसूस की है, वो मैंने आपको मेंशन किया था, दिखाया था मैंने वहाँ पर। वो जो मैप था उसके अंदर सारी चीज़ें थी कि कौन सी जगह से आप क्या चीज़ जो है वो ले सकते हो, कौन से आप ख़रीद सकते हो और खा सकते हो। ये सारे चीज़ें जो हैं वो इधर से आप जो आप पसंद करते हैं उधर आप चाहें आप वहाँ पे बैठें, ऑर्डर करें और खाना खाएं। लेकिन हम लोगों ने विज़िट किया मैकडॉनल्ड्स में, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो हम लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं उस साइड पे, ताकि हम वहाँ पर कुछ खा सकें और उसके बाद जो है वो कंटिन्यू कर सकें। ये जी सामने मैकडॉनल्ड्स आ गया हमारा। यहाँ पर ये देखिए सारे लोग जो है वो मास्क लगाया हुआ है, सबने ग्लव्स पहने हुए हैं, लाइन में खड़े हैं और वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, क्योंकि हालात इस तरह से हुए पड़े हैं कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ चलना पड़ रहा है और सब लोग जो हैं वो एहतियात के साथ हर चीज़ें कर रहे हैं, मास्क वगैरह पहन रहे हैं और बाकी सब चीज़ें। तो हमने भी इसी तरह से किया, ऑर्डर किया है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। तो वेट करके खाना खाने के बाद फिर मैं आपको बाकी की चीज़ें जो हैं वो दिखाती हूँ। ये जी खाने के बाद हम लोगों ने इसी साइड पे विज़िट किया है। ये स्पेशल छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, ऊपर मेंशन किया गया है एक्वाक्वा, यानी पानी है। यहाँ पर बच्चे जो हैं यहाँ पर जिस तरह से स्विमिंग करते हैं, नहाते हैं। ये देखिए सामने बच्चे जो हैं वो नहा रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी जो है वो उन्होंने स्पेशल बच्चों के लिए छोटा मतलब ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ताकि छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आकर खुश हो सके। ये भी इधर इसी तरह से उन्होंने वो माशा और वो ऑर्सो जो है वो लगाया हुआ है, यानी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बच्चे जो छोटे बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं वही वाली चीज़ें हैं। ये आसपास सारी की सारी वही हैं। ये झूले बच्चों के लिए हैं, छोटे बच्चे जो हैं बिल्कुल छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए स्पेशल। और इसी तरह से ये सारी चीज़ें आसपास हैं ताकि बच्चे जो हैं वो सब इन चीज़ों को विज़िट करें, देखें, खुश हों। ये एक छोटी सी ट्रेन बनाई गई है जिसमें बच्चे 1 या 2 बच्चे जो हैं वो छोटे बैठ रहे हैं और वो मतलब इस तरह से झूला झूल रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, खूबसूरत लग रही है। ये ले जी टाइम आ गया हम लोगों का यूरो व्हील की तरफ जाने का। हम लोग यूरो व्हील की तरफ जा रहे हैं, जो बड़ा सारा झूला मैंने आपको दिखाया था गोल वाला, उसकी तरफ, ताकि हम लोग उसमें बैठ सकें और ऊपर से सारा व्यू जो है वो ले सकें। ये हम बैठ चुके हैं उसमें और मैंने ये ऊपर से पिक्चर्स ली थी, थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन वीडियो ज़्यादा नहीं मैं बना सकी और ज़्यादा जो है वो मैंने पिक्चर्स ली थी ताकि मैं बाद में पिक्चर्स जो हैं वो उसके साथ में आपको दिखा सकूँ। ये ऊपर से मैंने व्यू लिए थे। ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से झूला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, तो फिर ऊपर से सारा मीरा बिलांडिया का जो हिस्सा है चारों साइड से वो सारा का सारा इस तरह से नज़र आ रहा था। ये आसपास जो है वो इसके झीलें हैं, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। ये ऊपर से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये जो रेड सी आपको ट्रेन टाइप नज़र आ रही है, ये ट्रेन टाइप नहीं है, ये उन्होंने स्पेशल मोटरसाइकिल जो है वो छोटे बच्चों के लिए वो ऑर्गेनाइज़ की हुआ है ताकि बच्चे जो हैं उस पर बैठ के, आपको पता है बाइक जो है वो बच्चे चलाना बड़ा पसंद करते हैं, उस तरह से ये बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इतने टाइम बाद हम लोग बाहर निकले थे लेकिन बड़ा मज़ा आया, बड़ा हम लोगों ने इन्जॉय किया यहाँ पर आकर। ये हम जी एक और जगह पर आए हैं, उसी के साथ में थी, जिस तरह से वो झूला जो था वो वहाँ पर ख़त्म हुआ उसी के साथ में था ये। ये है दुकाती वालों का हिस्सा जो जहाँ पर उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, की चेन्स वगैरह, उनकी कैप्स और गाड़ियाँ वगैरह बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और ये मेरा भांजा जो है ये लगा हुआ है अनथक कोशिश करने में कि शायद वो बाइक चला सके, शायद। ये जी इसी के साथ में हम लोग आए हैं हॉट व्हील्स सिटी की तरफ। ये उन्होंने स्पेशल ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, नया कोई प्रोग्राम उन्होंने बनाया है जिसमें गाड़ियाँ हैं हॉट व्हील्स वाली, वो यहाँ पर दिखाते हैं। बड़ी सिक्योरिटी के साथ में इन्होंने मतलब ये गाड़ियाँ जो हैं वो इस तरह से घूमते हुए दिखा रहे हैं, सारा कुछ इस तरह से बड़ा खूबसूरत सा वो बनाया गया है हॉट व्हील्स का। बच्चे जो हैं वो आजकल के हॉट व्हील्स हर टाइम करते रहते हैं। हमारे घर में खुद गाड़ियों का ढेर पड़ा हुआ है हॉट व्हील्स का। और ये सब लोग जो है ये इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। ये दो टाइम में यहाँ पर ये शो करते हैं, दिन में एक बजे से 2 बजे तक, और फिर ये करते हैं शाम को तकरीबन 6:30 के बाद, 6:30 पौने 7 बजे के टाइम में ये शुरू करते हैं और 7:30 तक ये ख़त्म कर देते हैं शाम में। तो हमने कहा कि चले आए हुए हैं, तो बच्चों को वैसे भी बड़ा गाड़ियों से लगाव है, शौक़ है उनको, तो हम लोग इनका ये जो इन्होंने एक प्रोग्राम जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो हम लोग ये देख कर जाते हैं, विज़िट करते हैं यहाँ पर कैसा है। तो अभी मैं आपको वही वाली सारी चीज़ें जो है वो दिखा रही हूँ। कौन सी है ये, मैंने बहुत शॉर्ट वाली वीडियो जो है वो यहाँ पर अपलोड की है क्योंकि ये जब हम लोग वहाँ पर देख रहे थे, बना रहे थे, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, तो लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ शॉर्ट वाली जो है वो निकाल के मैंने कहा कि मैं आपको दिखाती हूँ। अदरवाइज़ ये वीडियो जो है वो यही वाली वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी है। ये लोग जो है ये यहाँ पर थोड़ा सा एंटरटेन भी कर रहे हैं, थोड़े से जोक्स वगैरह मतलब सुना रहे थे ताकि बच्चे और बड़े जो हैं वो थोड़ा सा साथ में जोक्स को भी इंजॉय करें और साथ में गाड़ियाँ देखें। गाड़ियाँ जो हैं वो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से वो उसको चला रहे हैं और उसमें से चलाते हुए बड़ा ही खूबसूरत सा वो जो है वो, साथ में मोटर बाइक्स आती हैं। हमारी सेंस में बोला जाए तो गाड़ियों का बड़ा अच्छा करतब जो है वो दिखा रहे हैं, मतलब वो गाड़ियों को घुमा रहे हैं, एक से इधर से उधर से, उधर से इधर से लेके जा रहे हैं, और बड़ी अच्छी फास्टली मतलब मूव कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बड़ी प्रैक्टिस के साथ में उन्होंने किया है। ये देखें, ये 4 गाड़ियाँ जो है ये एक साथ में यहाँ से आएंगी और ये ले जी, अब चारों की चारों बाहर आ चुकी हैं और अब चारों जो है वो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव होने वाली है शायद। मैंने खुद ये पहली दफ़ा देखा था, मुझे खुद नहीं अंदाज़ा था कि ये इतनी खूबसूरत लगती हैं और बड़ी प्यारी हैं। हमारे घर में पड़ी हुई हैं गाड़ियाँ, ये बड़ी प्यारी लगती है, छोटी छोटी सी, हमेशा वो बच्चे जो हैं वो खेलते हैं उसके साथ, मेरे जो भांजे हैं। तो अब मुझे पता चला वो इनको इतना ज़्यादा लाइक क्यों करते हैं हॉट व्हील्स को लेकिन अच्छे हैं, अच्छा उन्होंने वो सारा का सारा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, बड़ा प्यारा है। आप भी जब भी कभी रवेना आए, इटली आए, तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बड़ा खूबसूरत है और बड़ा प्यारा लगता है। ये मेरा बुलंद है, पूरा घूमते हुए आप बड़ा इन्जॉय करते हो, बच्चे बड़ा इन्जॉय करते हैं, आप खुद बड़ा इन्जॉय करते हो। और आजकल तो वैसे भी उन्होंने ऑफ़र्स लगाई हुई हैं कि एक अगर आप टिकट्स जो है वो परचेज़ करते हो तो सेकंड डे जो है वो आपका फ्री होगा। आप मतलब फ्रीली सेकंड डे जो है वो उन्हीं टिकट्स के साथ में दोबारा से विज़िट कर सकते हो कि एक दिन में अगर आपने कुछ नहीं देखा है तो सेकंड डे में आके आप दोबारा से वो चीज़ें जो है वो दोबारा से देख सकते हैं। ये उन्होंने बकायदा एक सिटी की तरह बनाया गया हुआ है हॉट व्हील्स की। वो सामने बिल्डिंग्स भी छोटी छोटी सी बनाने की कोशिश की हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं और दूसरी साइड से एक रास्ता है, एक इस साइड से है। ये साथ में बाइक्स भी आ चुकी हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, अच्छा प्यारा है बहुत। मतलब उन्होंने मेहनत के साथ में ये कर रहे हैं बगैर किसी उसके के। ये ले एक दो व्हील्स के ऊपर वो इस तरह से घूम रहे हैं। मुश्किल है लेकिन आई मीन उनको उनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई हुई है तो कितना ज़्यादा वो उसको कर रहे हैं इतनी जल्दी से। लेकिन अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन आप प्लीज़ घर पे ट्राई मत कीजिएगा। अपने जहाँ भी किसी भी सिटी में रहते हैं वहाँ पर कोशिश मत कीजिएगा इस तरह की, क्योंकि ये लोग जो हैं वो प्रैक्टिस उनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और सालों से ये काम जो है वो कर रहे हैं। तो ये ना हो कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, हम जल्दी में ये देख के कोशिश करें कि हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में हमें भी नुकसान हो। अगर हम बाहर स्पेशली करें तो हम दूसरों को भी थोड़ा बहुत जो है वो नुकसान दे सके इससे। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ से। ये जी हम लास्ट में मैंने कहा हम लोग जो है वो विज़िट कर लें उस शॉप का जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। हम उस तरफ जा रहे हैं ताकि हम लोग वहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद सकें। लास्ट में मैंने जाते जाते ये और ज़्यादा उसके पिक्चर्स ली थी। मैंने कहा कि मैं जाते जाते आपको लास्ट जो है वो व्यू दिखा दूँगी किस तरह से ये लास्ट में शाम में किस तरह से लग रहा है। तो बड़ा हम लोगों ने इन्जॉय किया। आप भी ज़रूर आइएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कीजिएगा यहाँ पर आकर। और हम लोग भी बस अभी यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद के तो बस अभी जाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।